तो एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध कराओ भाई, बाद में कमा लेना यार। तुम मतलब जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कफन में जेब नहीं होती। इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग करके अपने घर मत भरो, भगवान को जवाब देना पड़ेगा तुमको। कहाँ जाओगे इतनी पाप लेके, अपने माथे पे इतना पाप लेके कहाँ जाओगे? प्लीज बीच में ब्लैक मार्केटिंग जैसी कोई चीज मत करना, सिर्फ हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करा देना मरीज, सबके सबकी जान जान होती है। पहला कोरोना महामारी अते हुण ब्लैक फंगस। पहला करोना महामारी का इलाज हस्पतालों विच नहीं सी मिल रहा, जिस कारण लोग तड़फ तड़फ के अपनी जान गवा रहे सी। हुण करोना तो बाद ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने करोना की जगह ले ली है, जिस दे नाल लोग बहुत बुरी तरह तड़फ रहे ने अते उन्हां नूं भी हस्पतालों दे विच इलाज नहीं मिल रहा। अजिही ही हुण एक वीडियो इंदौर तो वायरल हुई है, जिथे कि एक औरत अपने पति के इलाज लई प्रशासन नूं गुहार लगा रही है, जिसका कि पति ब्लैक फंगस नाल पीड़ित है। उसका कहना है कि इंजैक्शन ब्लैक फंगस के लिए नहीं मिल रहे, जिस कारण इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। अते उसने हाथ जोड़ के अपील की है कि प्रशासन जल्द तो जल्द ब्लैक फंगस के इंजैक्शन का प्रबंध करे। ये वीडियो इंदौर प्रशासन के लिए है, और इंदौर कलेक्टर, इंदौर प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अस्पताल में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, और इंजेक्शन हमको नहीं मिल रहे हैं। बहुत बुरी हालत है यहाँ, किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसा परिपत्र आपने जारी किया था कि उसके माध्यम से डायरेक्ट अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाएंगे, पिछले कुछ दिनों से वो भी नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अस्पताल के बिल के साथ साथ हम बाहर भी भटक रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था हमको करनी हो रही है। हमारा मरीज दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। आपके लिए 10-12 घंटे 24 घंटे एक समय होता है, हमारे लिए वो जिंदगी और मौत होती है। किसी भी वक्त कोई भी अंग पे फंगस अपना प्रभाव डाल सकती है, वो आंख है, उसके बाद दिमाग है, और कुछ भी असर हो सकता है। आंख जा सकती है, दिमाग में फंगस खा सकता है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। आप उस मामले की गंभीरता को समझें और जितना जल्दी हो सके अस्पतालों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए, ताकि मरीजों की जान बच सके। मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके लिए समय की कीमत कुछ और होगी, पर हमारे लिए समय की कीमत जिंदगी और मौत है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितनी जल्दी हो सके अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराए। कंपनी में बात करने पर कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हो गया है, यहाँ से निकल गया है, इंजेक्शन जा कह रहे हैं बीच में। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप प्लीज इस बात को बहुत हल्के में न लें, बहुत गंभीरता से लेते हुए अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराए। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मेरा पेशेंट की आंख पे असर हो रहा है, उसकी आंख में दर्द हो रहा है, उसका पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है। वो मेरे पति हैं, 40 साल की उम्र है। मुझे ये बताइए कि इस हालत में मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगी? इंजेक्शन बाहर भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे पास क्या रास्ता होना चाहिए? उनको तिल तिल तड़पते मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है आगे? अगर आज इंजेक्शन नहीं मिलते तो मैं हॉस्पिटल की छत से कूद के आत्महत्या कर लूंगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे इस वीडियो को प्लीज इतना वायरल कर दो, क्योंकि यहां जितने पेशेंट हैं उनके घर वालों की मानसिक स्थिति अब यही हो गई है और यही हो सकती है। इसलिए प्लीज इसको पहुंचा दो गवर्नमेंट के पास, प्रशासन के पास, कि कोई पेशेंट सफर नहीं करे, उसकी फैमिली सफर नहीं करे। डॉक्टर्स को नहीं पता है कि इस इंजेक्शन के अलावा उसका क्या इलाज है, यही है जो बॉडी में फंगल को रोकने से फैलने से रोक रहा है। तो एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध कराओ भाई, बाद में कमा लेना यार। तुम मतलब जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कफन में जेब नहीं होती। इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग करके अपने घर मत भरो, भगवान को जवाब देना पड़ेगा तुमको। कहाँ जाओगे इतनी पाप लेके, अपने माथे पे इतना पाप लेके कहाँ जाओगे? प्लीज बीच में ब्लैक मार्केटिंग जैसी कोई चीज मत करना, सिर्फ हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करा देना मरीज, सबके सबकी जान जान होती है, सबका जीव है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि भाई प्लीज ऐसा कुछ मत करना बीच में कि माल गायब कर देते हो, गोडाउन में तुम छुपा लेते हो, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि जो आदमी भोग रहा है वो जानता है। किसी की बद्दुआ मत लो यार।